Date 2014, question 4. A material P of thickness 1 mm is sandwiched between two steel slabs as shown in the figure below. A heat flux 10 kW per meter square is supplied to one of the steel slabs as shown. The boundary temperatures of the slabs are indicated in the figure. Assume thermal conductivity of this steel is 10 watts per meter Kelvin. Considering one-dimensional steady-state heat conduction for the configuration, the thermal conductivity K of material P is. Hello everyone. आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसके अंदर में जो गिवन सिचुएशन है कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, कि दो स्लैब्स हैं, उनके बीच में कोई P मटेरियल है, उसको सैंडविच किया हुआ है, ठीक, और स्लैब के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमें टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन है। हमें पूछा है कि अगर हीट फ्लक्स की वैल्यू 10 किलोवाट्स पर मीटर स्क्वायर हो तो के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल पी इज, जबकि स्टील स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है 10 वॉट्स पर मीटर केल्विन, ठीक है। इसको सेम जिस तरह हमने लास्ट के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उस तरह से करते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी हम बात करते हैं क्यू की, क्यू हमारे पास क्या है, जितनी भी हीट प्रोवाइड हम इसको कर रहे हैं वो है क्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्यू है डिवाइड ए, दैट इज एरिया इज माइनस के डी टी डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास था फूरियर लॉ और इसी के थ्रू हमने एक कॉन्सेप्ट और जनरेट किया था, वो था हमारे पास क्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर ए इंफिनिट स्लैब, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं जो कि हमने जनरेट किया था, डिराइव किया था फूरियर लॉ के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अगर मैं आर एच टर्म की बात करूं, आर एच टर्म क्या होता है हमारे पास, आर एच मींस द थर्मल रेजिस्टेंस फॉर अ स्लैब इज नथिंग बट लेंथ डिवाइड थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड एरिया, ओके। तो इसको अगर मैं देखूं, इस अरेंजमेंट को अगर मैं देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि ये सीरीज में रखे हुए हैं। जब भी हम बात करते हैं सीरीज की, थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर कितनी होती है, थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर टोटल होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन। इसका मतलब जितने भी थर्मल रेजिस्टेंस इसका होगा, थर्मल रेजिस्टेंस पी मटेरियल का, थर्मल रेजिस्टेंस स्टील स्लैब का, इन सारों को जोड़ूंगा तो आर एच सीरीज का हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी के थ्रू अगर हम करें तो क्यू मेरे पास हो गया, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी मींस टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कितना है, टी वन माइनस टी टू। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा T1 माइनस T2 डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास RH, RH टर्म स्टील स्लैब P मटेरियल और स्टील स्लैब के लिए तीनों हमें सम अप करनी है। RH होता क्या है, L by K, L means length, पहली स्लैब के लिए लेंथ है 20 क्योंकि सारी वैल्यूज mm में है, सारी वैल्यूज हमारे पास इसमें है mm में, तो जब L mm में है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर के अंदर, क्यों, क्योंकि Q हमारे पास, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास वॉट्स पर मीटर स्क्वायर मींस मीटर के टर्म में है, इस वजह से mm को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। जब भी हम mm को कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर डिवाइड करना पड़ता है 1000 से, ठीक है। तो RH होता है L by K, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो पहली के लिए मैं लिखूंगा LS डिवाइड केएस, मैंने लिखा एलएस डिवाइड केएस, एलएस मींस लेंथ ऑफ द स्टील स्लैब, डिवाइड केएस मींस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील स्लैब, मल्टीप्लाई किससे करेंगे एरिया प्लस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पी मटेरियल के लिए आरएच कितना होगा, एल बाय केए,
लेंथ ऑफ पी मटेरियल, लेंथ ऑफ पी मटेरियल, के ऑफ पी मटेरियल मल्टीप्लाई ए, ये हो गया हमारे पास स्टील स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस, प्लस हमने किया सीरीज में है इसलिए पी मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट है स्टील स्लैब का जो कि एग्जैक्टली सेम है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं एल एस डिवाइड के एस ए, ठीक है ना। अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो ये जो ए है वो सभी के अंदर कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं इस ए को मैंने कॉमन निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ वन बाय ए, ठीक, तो मैंने ए यहां से हटा दिया, पहले ए मल्टीप्लाई में था, मुझे दिखा कि यहां सारे पॉइंट्स के अंदर कॉमन है, मैंने उसको कॉमन निकाला वन बाय ए, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा ये वन बाय ए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के टर्म्स में, ठीक है, और वही ए डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनेगा क्यू बाय ए इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू, अब मैं वैल्यूज रख रहा हूं क्यू बाय ए इज इक्वल टी वन माइनस टी टू डिवाइड टू टाइम्स एल एस के एस प्लस एल पी के पी, ठीक है। मैंने क्या किया है ए को ऊपर लेके गया एंड देन मल्टीप्लाई, सो क्यू बाई ए इक्वल टी वन माइनस टी टू एल एस बाय के एस, एल एस बाय के एस मीन्स टू टाइम्स एल एस बाय के एस एंड रिमेनिंग टर्म इज एल पी बाय के पी, ठीक है। क्या क्या गिवन है, क्यू बाय ए गिवन है, क्यू नहीं गिवन है, ये क्यू बाय ए है, ठीक है। यह है 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 3, हमें रखना है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में, गिवन है 10 किलो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, सो आई मल्टीप्लाई इट बाय 1000। टी वन माइनस टी टू, टी वन 500 गिवन है, टी टू 360 गिवन है, हमें इसको रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं है टी टू माइनस टी वन, क्योंकि क्यू बाई ए ही हमें चाहिए, ठीक है, इस वजह से हम इसको टी टू माइनस टी वन करके नेगेटिव साइन लगाएं या डायरेक्टली लिख दे टी वन माइनस टी टू, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया 500 माइनस 360, ठीक है। टी वन की वैल्यू आ गई, टी टू की वैल्यू आ गई, अब है एल एस, एल एस मीन्स लेंथ ऑफ द स्टील स्लैब, स्टील स्लैब की वैल्यू है 20 जो कि है एमएम में, एमएम को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, सो वी हैव 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड के एस means thermal conductivity of this steel slab that is Ks equal to 10 watts per meter Kelvin, so यहाँ से value है हमारे पास 10 और क्योंकि ये 2 times है so I multiplied it by 2, okay, then we have LP by KP, LP means length of the P material that is 1 mm, so मैं क्या करना पड़ेगा 1 multiply 10 to the power minus 3, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से जो बन जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है KP, KP की वैल्यू हमें निकालनी है, ये KP है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ P मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, सो वी हैव KP, और ये KP हमें चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, ओके, सो आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि कितना आएगा, ठीक है। तो KP कि जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो है 0.10 वॉट्स पर मीटर केल्विन, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, कैलकुलेशन आप इसमें खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे पास सीरीज के अंदर कोई स्लैब्स लगी हुई है तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व। गेट 2014 क्वेश्चन 5, हीट ट्रांसफर through a composite wall as shown in figure, both the sections of the wall have equal thickness L. The conductivity of one section is K and that of the other is 2K. The left face of the wall is at 600 Kelvin and the right face is at 300 Kelvin. The interface temperature Ti in Kelvin of the composite wall is.
तो अगेन हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके का अरेंजमेंट है हमें टी आई की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब है इंटरफेस टेम्परेचर जो हमारे पास है हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है 600 केल्विन, नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे गिवन है 300 केल्विन, मिडिल लेयर पे टेम्परेचर हमें निकालना है। जब अरेंजमेंट है कि थिकनेस जो कि लेंथ है हमारे पास वो सेम है फर्स्ट सेकेंड थर्मल कॉन्डक्टिविटी फर्स्ट लेयर के लिए के है और सेकेंड के लिए 2K है। अगर मैं ये नाम दे दूं कि ये हमारे पास फर्स्ट स्लैब है और ये हमारे पास सेकेंड स्लैब है तो उन दोनों की थर्मल कॉन्डक्टिविटी हमें गिवन है एक की K दूसरी की गिवन है 2K, उस केस के अंदर TI की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर जो था उसके अंदर भी किया हुआ है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है कि अगर कोई भी क्यू ये हमारे पास हीट जो है फ्लो हो रही है इन दोनों स्लैब से तो मैंने सबसे पहले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि जो क्यू होती है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो कांस्टेंट रहती है स्लैब्स के अंदर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और एरिया भी कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि स्लैब्स का जो एरिया है वो चेंज नहीं होता जैसे कि सिलेंडर और स्फीयर के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो Q है वो दोनों स्लैब्स के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि है थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो हमारे पास क्या है दैट Q इज डेल्टा टी मींस द चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आरिथ मींस द थर्मल रेजिस्टेंस। अगर मैं इसी को स्लैब के लिए लिखूंगा तो वो बन जाएगा डेल्टा टी डिवाइड L by KA। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने पहले भी स्लैब होलो सिलेंडर स्फीयर तीनों के लिए बताई थी तो Q की वैल्यू डेल्टा T डिवाइड L by KA होगी जहां L by KA थर्मल रेजिस्टेंस होता है किसी भी स्लैब के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं देखूं क्योंकि Q कांस्टेंट है फर्स्ट स्लैब के लिए भी मींस डेल्टा T by L by KA कांस्टेंट है इस स्लैब के लिए और इस स्लैब के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं लिखूं डेल्टा टी अगर मैं इस स्लैब फर्स्ट स्लैब की बात करूं तो डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 600 केल्विन माइनस डेल्टा टी मींस टीआई हमें लिखना था डेल्टा टी मींस 600 केल्विन माइनस टीआई टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल बाय के। लेंथ हमारे पास गिवन है L, K इज द थर्मल कॉन्डक्टिविटी ऑफ स्लैब 1 इज K सो वी राइट इट एज K एंड एरिया इज कांस्टेंट सो आई विल राइट इट एज A एंड दिस पार्ट इज इक्वल फॉर द सेकंड स्लैब आल्सो। सो सेकंड स्लैब द चेंज इन टेंपरेचर डिफरेंस और टेंपरेचर डिफरेंस इज TI माइनस 300 केल्विन सो वी हैव TI माइनस 300। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अब है L by K, L स्मॉल L गिवन है, K थर्मल कॉन्डक्टिविटी की वैल्यू K ना होकर के यहां पे है 2K मींस डबल सो वी हैव 2K टाइम्स A, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सारी चीजें पता है TI की वैल्यू निकालनी है। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो L है कैंसिल आउट KA दोनों तरफ से कैंसिल आउट और हमें सिर्फ इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास है 600 माइनस TI डिवाइड 1 TI माइनस 300 डिवाइड 1 बाय 2। ठीक है, यहां से बना हमारे पास 1 बाय 2 क्योंकि L बाय K दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, मैंने लिखा इसको 600 माइनस टी आई इज इक्वल 2 टाइम्स टी आई माइनस 300। ठीक है, इसको अगर मैं डायरेक्टली करूं तो हमारे पास बन जाएगा 2 टी आई माइनस 600। ठीक है, इस टी आई को उधर लेके जाते हैं 600 को इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 टी आई इज इक्वल 1200 और 1200 एंड दिस बिकम्स 400 केल्विन एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना था कि क्यू
कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है हम इस कॉन्सेप्ट को थर्मल रेजिस्टेंस के इंटरफेस टेम्परेचर को निकालने के लिए।